हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि गेस्टिमेट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और हम अपनी गेस्टिमेट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गेस्टिमेट प्रॉब्लम क्या होती हैं। गेस्टिमेट प्रॉब्लम्स अप्रोक्सीमेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें अपना गैस और अनुमान लगाना होता है कि हम उस डेटा तक कैसे पहुंच सकते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट बेस्ड इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी गेस्टिमेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी गेस्टिमेट प्रॉब्लम है क्या। हमें पता करना है नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन एयर इन इंडिया करंटली। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इंडिया में टोटल एयरपोर्ट्स कितने हैं और किस तरह के एयरपोर्ट्स हैं। तो इसके लिए हमने डिवाइड किया है, इंडिया में टू टाइप्स के एयरपोर्ट हैं। फर्स्ट इज डोमेस्टिक एयरपोर्ट और सेकंड इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक फ्लाइट 1 पॉइंट से इंडिया में सेकेंड पॉइंट तक जाने के लिए एवरेज 2 आवर्स का समय लेती है। तो हम ये देखेंगे कि जो लास्ट 2 आवर्स में जो टेक ऑफ हुए हैं उन्हीं फ्लाइट्स को काउंट करेंगे। और इंटरनेशनल फ्लाइट भी हम लास्ट 2 आवर्स में जो टेक ऑफ हुए हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। तो इसके लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो मेगा एयरपोर्ट है, जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और उसके बाद मीडियम एयरपोर्ट और उसके बाद स्मॉल एयरपोर्ट। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में मेगा एयरपोर्ट्स कितने हैं। हम टॉप 5 एयरपोर्ट्स लेते हैं जो बहुत ही बिजी एयरपोर्ट, लाइक दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट एंड हैदराबाद एयरपोर्ट। और मीडियम एयरपोर्ट्स, जो मीडियम सिटीज हैं उनके लिए हम लेते हैं। इंडिया में 30 मीडियम बेस्ड एयरपोर्ट हैं। और स्मॉल एयरपोर्ट्स लाइक स्मॉल सिटीज, स्मॉल एयरपोर्ट आर 50 एयरपोर्ट्स। एंड नंबर ऑफ रनवेज इन ईच एयरपोर्ट, फॉर मेगा एयरपोर्ट वी टू 12 नंबर ऑफ रनवेज। और फॉर मीडियम वी टुक 3 नंबर ऑफ रनवेज। और इन स्मॉल वी टुक 2। सेकंड इज टेक ऑफ पर आवर। एवरी आवर कितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेक ऑफ होती हैं हर एक रनवे से। तो हम लेंगे हर एक रनवे से 1 घंटे में 2 फ्लाइट टेक ऑफ होती हैं फॉर मेगा एयरपोर्ट। और फॉर मीडियम एयरपोर्ट आल्सो 2। और फॉर स्मॉल एयरपोर्ट हम लेते हैं कि हर 2 घंटे में एक होती है, तो 0.5 हम कंसिडर करते हैं। तो टेक ऑफ फॉर लास्ट 2 आवर, यह जो डेटा आपको दिख रहा है ये है टेक ऑफ पर आवर। तो टोटल नंबर ऑफ टेक ऑफ लास्ट 2 आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रनवेज मल्टीप्लाई बाय टेक ऑफ 2 आवर पर आवर इंटू 2, क्योंकि यह जो डेटा है ये 1 आवर का है और हमें क्या करना है, हमें टोटल टेक ऑफ फॉर लास्ट 2 आवर फाइंड करना है। तो हमारे पास टोटल टेक ऑफ फॉर लास्ट 2 आवर 240 फ्लाइट्स हैं।
ऐसे ही मीडियम के लिए मैंने इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमने जो डेटा फाइंड किया वो 1 आवर का डेटा है और हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो है टेको फ्रॉम लास्ट 2 आवर, क्योंकि जो फ्लाइट्स 2 आवर्स पहले टेक ऑफ हुई हैं वो अभी एयर में ही होंगी, क्योंकि एवरेज टाइम जो है डोमेस्टिक फ्लाइट का एवरेज टाइम है 2 आवर और स्मॉल सेम कैलकुलेशन नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रनवेज मल्टीप्लाई बाय टेक ऑफ पर आवर इनटू 2 और 2 आवर्स एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस सेवन हंड्रेड, टोटल डोमेस्टिक फ्लाइट 700 एंड टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर द सेम 5 मेगा एयरपोर्ट्स एंड 30 मीडियम एयरपोर्ट्स एंड स्मॉल 50 एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ प्लेन्स आर ऑल्सो सेम 12 4 मेगा एयरपोर्ट्स मीडियम फॉर 3 और स्मॉल फॉर 2, टेक ऑफ पर आवर लेट्स अज्यूम 4 मेगा एयरपोर्ट टेक ऑफ 2 आवर पर आवर 2 फ्लाइट्स हर घंटे में 2 फ्लाइट टेक ऑफ होती हैं मेगा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स और ईच आवर मीडियम फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम मीडियम एयरपोर्ट और ऑल्सो 2, और हम गैस कर रहे हैं कि स्मॉल एयरपोर्ट से कोई भी अभी लास्ट 2 आवर में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है, तो इसके लिए हम इसको 0 अज्यूम करते हैं और इज इक्वल टू टोटल टेक ऑफ फॉर लास्ट 2 आवर नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेन्स मल्टीप्लाई बाय टेक ऑफ पर आवर इंटू 2 ऊपर मीडियम इनटू 2 लेट्स टेक लेट्स अज्यूम टेक ऑफ पर आवर इज ओनली 1 फ्लाइट एयर then some and we will divide it here. Let's assume an international flight spend 1/4 time in Indian air, then we can assume it 1/3 time in Indian air, then let's divide it by 3 टोटल 140 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर इन एयर इन इंडिया तो हमें जानना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स अभी इंडियन एटमॉस्फेयर में कितनी है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो अभी एयर में है वो है 700,
और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो हैं 140। हम इनको सम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो अभी एयर में हैं, जो अभी इंडियन एटमॉस्फेयर में हैं, वो हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स 840। तो इस तरह हम अपनी एक स्ट्रक्चर के साथ हम अपनी गेस्टिमेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।